अस्सलामुअलैकुम। आसान खाना सबको सिखाना। आज हमारे किचन में बन रही है कैरी की खट्टी मीठी चटनी। ये बहुत ही टेस्टी बनती है। आप इसे पराठे के साथ खाएं, चावलों के साथ। तो चलिए जी इसे बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इधर आधा किलो मैंने कच्चे आम लिए हैं, कैरी ली है, सख्त वाली आपने लेनी है। तो इसका जो छिलका है हम उतार लेंगे। इसी तरह हमने सबको छील लेना। सारी अंबियों को मैंने छील लिया। अब हम कद्दूकश करेंगे। इधर मैंने कद्दूकश लिया और इसे अंबियों को हमने कद्दूकश कर लेना है। अंबियों को मैंने कद्दूकश कर लिया। अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। एक पैन लेंगे, गैस मैंने ऑन कर दिया, मीडियम लो फ्लेम रखेंगे और इसमें ऑयल डालेंगे तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून। ज़ीरा डालेंगे साबुत 1 टीस्पून, मेथी दाना 1 टीस्पून, गलौंजी 1/2 टीस्पून, सौंफ साबुत 1 टीस्पून। सारी चीज़ों को 1 मिनट के लिए चलाएंगे। खुशबू आना शुरू हो गई है, तकरीबन 1 मिनट हो गया है। तो अब ये जो हमने कद्दूकश करके रखी हुई है कैरी, ये इसमें डाल देंगे और इसमें अच्छी तरह मिक्स कर देते हैं। अब मिक्स करने के बाद इसमें थोड़े से स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून सफ़ेद नमक, 1 टीस्पून काला नमक। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो ज़्यादा डाल दें, अगर कम तो फिर कम डाल दें। और इन सारी चीज़ों को कर देते हैं अच्छी तरह मिक्स। मिक्स करने के बाद इसमें हमने चीनी या गुड़ ऐड करना है। मैंने इधर शक्कर लिया है तकरीबन 1 कप, वो डाल रही हूँ। आप चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, गुड़ का भी, जो चाहे आपको पसंद हो या जो आपके घर में मौजूद हो वो आप डाल दें। मिक्स कर देते हैं। आँच हमने बिल्कुल हल्की रखी हुई है क्योंकि शक्कर ने भी पानी छोड़ना है, तो इसी ही पानी में ये हमारी जो कैरी है वो पकेगी। मिक्स करने के बाद इसे हमने कवर कर देना है। आँच हमने बिल्कुल हल्की रखनी है और थोड़ी देर बाद मिलते हैं। तकरीबन 6 से 7 मिनट हो गए इसे पकते हुए हल्की आँच के ऊपर। और ये देखें जो हमने इसमें शक्कर डाली हुई है वो बिल्कुल अच्छी तरह मेल्ट हो गई है और कैरी जो है वो भी सॉफ्ट हो गई है। तो अभी ये थोड़ी पतली है तो आँच को हम ज़रा तेज़ कर देते हैं और इसको अच्छी तरह हम पका लेते हैं। ज़्यादा भी हमने इसे गाढ़ा नहीं करना वरना भी ये ठंडी होकर और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है और इसके जो मोटे मोटे चंक्स भी हैं हमें नज़र आ रहे हैं। क्योंकि ये मैंने इसे कद्दूकश किया है लेकिन गुठली को मैंने ज़ाया नहीं किया, अच्छी तरह मैंने छुरी से इसे खुरच लिया था ताकि कैरी ज़ाया ना हो। अगर आपको नमक मिर्च कम लगे तो आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं। और ये देखें कैरी ने जो किनारे हैं वो छोड़ने शुरू कर दिए हैं। हमारी कैरी की खट्टी मीठी चटनी जो है बनकर रेडी है। चूल्हा हम बंद कर देते हैं और इसे हम डिश आउट करते हैं। कैरी की खट्टी मीठी चटनी बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कल मिलेंगे आपसे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।